हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में फ्रेंड्स दो डिफरेंट से फ्लेवर वाले टी टाइम केक को मैं आज आपको पेपर मोल्ड में किस तरीके से आप बना सकते हैं, कैसे बेक कर सकते हैं और अगर आप होम बेकर हैं तो कैसे इन्हें पैक करके आप सेल कर सकते हैं, उस मेथड को डिटेल में शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले बनाते हैं हम अपना फर्स्ट फ्लेवर जो कि है हमारा इलायची यानी कि कार्डमम फ्लेवर। उसके लिए मैंने यहाँ पर अपने घर का बना हुआ एक कप यानी कि 120 ग्राम अपना होममेड बेसिक प्रीमिक्स ऐड किया है। कुछ लोग फ्रेंड्स डाउट में रहते हैं कि आपने इसमें चीनी ऐड नहीं की, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी ऐड नहीं किया तो आपका केक कैसे बना। फ्रेंड्स, ये जो होममेड बेसिक प्रीमिक्स होता है इसमें हम पहले से ही सारी चीज़ों को मिला लेते हैं और उस प्रीमिक्स को बना करके हम स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत के हिसाब से उसे यूज़ में ले लेते हैं। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने अपने चैनल पर पोस्ट की हुई है तो आप उसे देख सकते हैं। और आज मैं 250 ग्राम का केक बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने एक कप प्रीमिक्स यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून भर करके ऑयल डालेंगे। आप चाहें तो मेल्टेड बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्योंकि ये इलायची यानी कि कार्डमम फ्लेवर है तो यहाँ पर कुछ बूंदे हम फ्लेवर की ऐड करेंगे इलायची वाले, और साथ ही मैंने यहाँ पर एक ड्रॉप येलो कलर भी डाला है। अब पानी की मदद से हम इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेंगे। आप चाहें तो दूध भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर करके चॉप्ड आलमंड यानी कि बादाम ऐड कर रही हूँ। अच्छे से इसे भी मिक्स कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है फ्रेंड्स, और बैटर भी हमारा परफेक्ट रेडी है। और अब इस पेपर मोल्ड के अंदर हम अपने बैटर को ट्रांसफ़र कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस पेपर मोल्ड को आपको ना तो ग्रीस करने की ज़रूरत है और ना ही इसमें बटर पेपर लगाने की ज़रूरत है। अब अच्छे से पहले तो आप इसे टैप कर लीजिएगा और अब हम इसके ऊपर कुछ ड्राई फ्रूट्स की गार्निशिंग ऐड करेंगे। कुछ लोग यहाँ पर फ्रेंड्स कंप्लेन करते हैं कि जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने अपने केक के ऊपर डाले वो सारे केक के अंदर चले गए और सिंक हो गए। तो फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके का केक बना रहे हो तो आप अपने केक के बैटर को थोड़ा सा थिक यानी कि गाढ़ा रखिएगा नॉर्मल कंसिस्टेंसी से, और साथ ही ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद आप उस केक टिन को या केक मोल्ड को टैप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अब दूसरे फ्लेवर का केक बनाते हैं। तो मैंने उसी बाउल के अंदर अपना एक कप यानी कि 120 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स ऐड किया है। इसी के साथ इसमें 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाला है और अब पानी डाल करके इसका भी मैं स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। इसका भी बैटर फ्रेंड्स हम नॉर्मल केक के बैटर से थोड़ा सा गाढ़ा यानी कि थिक रखेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं एक दूसरा अलग सा फ्लेवर बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर करके सीसेम यानी कि तिल डाले हैं। उसी के साथ मैंने 1 टेबलस्पून यहाँ पर चोको चिप्स डाले हैं। इन्हें भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यकीन मानिए चोको चिप्स के साथ तिल का बहुत ही लाजवाब सा एक डिफरेंट सा फ्लेवर आता है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस बैटर को भी हम अपने पेपर मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अच्छे से इसे भी टैप कर लेंगे और टैप करने के बाद हम इसके ऊपर चोको चिप्स और कुछ तिल भी स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, दोनों केक के बैटर को हमने अपने केक मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब हम इसे फ्रेंड्स बेक करेंगे। बेक करने के लिए फ्रेंड्स आप चाहें तो इसे राउंड इलेक्ट्रिक ओवन में बेक कर सकते हैं, ओटीजी में बेक कर सकते हैं या फिर गैस पर कढ़ाई या कुकर में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 160 डिग्री पर अपने ओवन को पहले से ही प्रीहीट किया था 5 मिनट के लिए और अब मैं इसे केवल 20 मिनट के लिए इसके अंदर बेक करूँगी। बेकिंग के टाइम फ्रेंड्स आपको ऊपर की रॉड को ऑफ कर देना है और ये देखिए 20 मिनट के अंदर ही हमारे दोनों टी टाइम केक्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स देखिए केक के अंदर बिल्कुल भी नहीं गया है और केक पर बहुत ही प्यारा सा कलर आया है, कहीं से भी वो कच्चा नहीं है। तो फ्रेंड्स, बस पेपर मोल्ड के अंदर केक को बेक करने के समय आपको एक ही बात का ध्यान रखना है, आपका बैटर थोड़ा सा थिक होना चाहिए यानी कि गाढ़ा। साथ ही टेम्परेचर आपको 180 डिग्री नहीं 160 डिग्री रखना है। ओटीजी के आपको नीचे रॉड ऑन रखनी है और साथ ही इसे 20 से 22 मिनट तक ही आपको इसे बेक करना है। फ्रेंड, इन टी टाइम केक्स को तो मैंने अपने एक ऑर्डर के लिए बनाया है तो अभी ये गर्म है, मैं पूरी तरीके से पहले इन्हें ठंडा करूँगी। मैंने 250 ग्राम्स के 2 टी टाइम केक बनाए हैं जिनकी कॉस्ट आप आराम से 250 से लेकर 275 रुपीस तक रख सकते हैं। और अब मेरे केक दोनों ही अच्छे से ठंडे हो गए हैं और इन्हें मैं अब इस किचन की क्लिंग रैप से रैप करूंगी इस तरीके से। आप एक बड़ा सा पीस कट करके केक को इस तरीके से प्लेस कीजिएगा और फिर सारे जॉइंट्स को केक के बैक साइड में लगा दीजिएगा। इससे आपका काम बहुत ही नीट होगा और आपका केक भी दिखने में अट्रैक्टिव लगेगा। ऐसे ही मैं दूसरे वाले केक को भी पैक कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति का त्यौहार है, आप चाहें तो इन केक्स को बना करके किसी को गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे तो इन्हें बना करके गरीबों में दान भी कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये वाला केक भी अच्छे से पैक हो गया है और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स दोनों ही केक हमारे हाइजीनिकली भी एकदम क्लीन है।
और इन्हें हमने घर में बनाया है पूरी साफ सफाई से, तो ये वैसे ही बहुत ही बढ़िया है। और अब मैं इन दोनों टी टाइम केक्स को डिलीवर करने के लिए इस बॉक्स में रख करके इन्हें रेडी कर रही हूँ। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी, आज का मेथड अगर आपको पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बार कुछ नया देख करके सीखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।